हेलो कोलकाता, केमन आछेन। आज के इस वीडियो में हम आईएम के ऊपर चर्चा करेंगे। आईएम जो कि 34 से 35 साल हो चुका है इस कॉलेज को। ये कॉलेज इतना ज़्यादा, मैं खुद इसमें क्लास अटेंड किया हूँ, इतना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि टीचर लोग आपको खुद मोटिवेट कर रहे होंगे कि आप आगे बढ़ो, कुछ नया सोचो। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि रैगिंग का, तो यहाँ पे रैगिंग का सवाल ही नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे तीन कैंपस है, एक तो आश्रम, गुरुकुल और मैनेजमेंट, तीन कैंपस है। फर्स्ट ईयर वाले को अलग रखा जाता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले को अलग रखा जाता है। यहाँ पे आपको कहीं से भी रैगिंग का तो संभावना नहीं मिलेगा। लोन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो लोन फैसिलिटी ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल रहा होगा क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो होते हैं वो हर साल यहाँ पे सर्वे के लिए आते हैं। और इस कॉलेज को अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में WBJEE के अंदर फर्स्ट कॉलेज हम बोल सकते हैं कि ये। मैं खुद आपको पोल करवाया था अपने चैनल पर, तो उस पर भी आप देख सकते हो कि पोल में भी काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज से काफ़ी ऊपर निकल गया ये कॉलेज, ठीक है। इसमें अगर आप बोलोगे कि भैया एडमिशन का क्या प्रोसेस हो रहा होगा, तो एडमिशन के ऊपर हम चर्चा करें तो एडमिशन के लिए हर एक वीडियो, जो भी आप वीडियो देखोगे उसमें तीन तरीका बताया जाता है, बट मैं चौथा तरीका भी बताऊंगा क्योंकि ये रियलिटी है, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। पहला WBJEE, उससे क्या होता है 80% स्टूडेंट उससे फिल होते हैं। JEE मेंस में क्या होता है, कम सीट होता है, 10% होता है। अब सोचो टोटल सीट जितना 1000 भी सीट होगा, मान के चलते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1000 अगर सीट है तो उसमें 100 बच्चे का एडमिशन होगा। सोचो JEE मेंस में कितना ज़्यादा स्टूडेंट है, ठीक है, तो 10% JEE मेंस के बेसिस पे होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन। और चौथा तरीका क्या होता है कि लो ब्रांच में सीट्स बच जाती हैं, तो लो ब्रांच में जिस भी ब्रांच में सीट बच जाएंगी तो उसमें क्या होता है, कई स्टूडेंट जो होते हैं जैसे वेस्ट बंगाल के होते हैं तो उनको पता होता है, तो वो क्या करते हैं कि कॉलेज में विजिट करते हैं, बोलते हैं सर मेरा रैंक इतना है WBJEE में, JEE मेंस में मेरा रैंक इतना है, अगर सीट खाली है तो मेरा एडमिशन अगर हो पाए तो करवा दीजिए। तो वो बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में सीट खाली है तो आपका एडमिशन करवा देते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल कॉलेज से थोड़ा सा दूर है। और इसमें अगर आप फी की बात करें कि भैया फी कितना लग रहा होगा, तो बॉयज के लिए लगभग 90,000 के आसपास, गर्ल्स के लिए 1,00,000 से 1,10,000 आपको लग रहे होंगे, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम इंस्टीट्यूट फी में अगर बोले कि सेमेस्टर वाइज कितना लग रहा होगा, तो एडमिशन के टाइम लगभग आपको 95 के आसपास लगेगा क्योंकि उसमें जो है 6,500 जो है, मतलब 6,500 आपका ड्रेस का लग रहा होगा, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 1,00,000 तक आपका लग रहा होगा एडमिशन के टाइम सेमेस्टर वाला में, ठीक है। तो ये बात हो जाती, ये हो गया फी की बात। अब हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ क्या सिनेरियो है WBJEE और JEE मेंस में। तो WBJEE में अगर हम देखें तो 4000 के, 4 से मान लो 4200 के आसपास है, उसके नीचे आपको आना पड़ेगा फॉर CSE के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेना है, ब्रांच मेरे लिए मैटर नहीं करता है, तो आपका अगर 35 से 40,000 भी है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में होने का आपका चांस रहेगा, ठीक है, तो उसके तरफ आप जा सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी तरफ ना जाए तो वह बेहतर है, मतलब जा सकते हो पर थोड़ा सा फिर कोडिंग की तरफ मूव करना होगा या फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर, ठीक है, ये बात हो गई। अब JEE मेंस के ऊपर आते हैं, तो JEE मेंस के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो JEE मेंस में भी आपको 4,500 से 4,500 आपका रैंक होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, समझ में आ रही। अगर चाहते हो कि नहीं हमको बस एडमिशन लेना है, तो आपका अगर 1,00,000 के आसपास भी है, 80,000 1,00,000 के आसपास भी है JEE मेंस में, तो आपको एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। मैं पूरा कट ऑफ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, बट प्लेसमेंट के ऊपर आने से पहले आपके लिए कुछ टिप्स है कि आपको अगर आपका पैकेज बेहतर बनाना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 7 CGPA मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई कंपनी जो है वो आपका जो आप अगर 7 CGPA से कम होगा तो आपको बैठने तक नहीं देगी, कई कंपनी जैसी होती हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ओके, क्लियर है। अभी हम आते हैं पैकेज के ऊपर, तो CSE में देखें एवरेज इसका पैकेज तो 6.5 के आसपास रहता है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 से 4.5 लगभग रहता है ओवरऑल देखा जाए। तो अगर हम इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें, मैं इसलिए बोल रहा था कि 7 CGPA आपका मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत काम आएगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद क्या है हाईएस्ट पैकेज, तो हाईएस्ट पैकेज अगर हम बात करें तो इन कैंपस जो है वो 15.5 यानी कि 15.5 LPA गया है इन कैंपस प्लेसमेंट, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हम ऑफ कैंपस देखें तो 40,40,40 LPA इसका ऑफ कैंपस गया है 2022 की अगर हम चर्चा करें तो, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम आते हैं इसके कॉन्स के ऊपर, कॉन्स भी बहुत जानना बहुत जरूरी, एक चीज जो इसके ऊपर सारे वीडियो बहुत वीडियोस में मैं देखा हूं, ये चीज गलत बताया गया है कि IIM JEE से आपका IIM एडमिशन होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। IIM JEE से आपका UEM एडमिशन होता है, ना कि IIM में होता है,
ठीक है, आपको अगर मेरे ऊपर बिलीव ना हो तो आप जाके सर लोग जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नंबर मिल जाएगा, उनसे भी आप जाके पता कर सकते हैं कि आईएम जेई से आईएम एडमिशन होता है या नहीं होता है, आईएम जेई से यूईएम एडमिशन होता है। ये बात मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर हैं ये बात बताते हैं, पर ये बात गलत है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। आई एम जेई नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम जेई से आई एम में एडमिशन होता है, ठीक है, आई एम यूएम ग्रुप है, ठीक है, ये बात बहुत को पता नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये मिथ बना हुआ है, तो इसको प्लीज़ आप जो है इसको साइड कर लें, ठीक है, ओके, ये बात हो गई। अभी दूसरा क्या होता है कि कैंपस छोटा है, हाँ कैंपस छोटा है, कैंपस छोटा है, पर प्लेसमेंट भी तो आप देखोगे कि चार साल बाद आपका क्या पूछेगा भाई, प्लेसमेंट, ठीक है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। और हाँ, अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए, कुछ भी जानना हो, छोटा से छोटा चीज़, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि बात यह होता है ना, आपको काउंसलिंग टाइम में आपको आइडियाज़ नहीं रहता है किस तरह कॉलेज हम करें फील, क्योंकि पिछले साल मैं देखा जिसको जिस कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए बंदे ने उसको नीचे रख दिया था, अभी क्या हुआ फर्स्ट में ही उसका सबसे बेकार कॉलेज अलर्ट हुआ, तो उसको पूरा काउंसलिंग से हटना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा आ गया था कि पूरा काउंसलिंग उसको छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करके रख लेना है, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके सीनियर्स लोग भी वहाँ पे अवेलेबल, लगभग 130 सीनियर आपके वहाँ पे अवेलेबल है, तो जुड़ जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, और कुछ भी क्वेरी हो पूछिएगा जरूर।